तो अगर तेरी मम्मी को पता चल गया कि तू रिलेशनशिप में, तो उनका रिएक्शन कैसा होगा? अरे ऐसा मार सब लग रही है भाई, इतना पूजा कर रही है, कहाँ बकरा काटने की तैयारी कर रहा है। ये तो पक्का डालूगा भाई, बड़ा हरामी हो बेटा। दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही तोड़ दिया दिल यार का। सीरियल देखे थे? मैं गाता अच्छा हूँ ना? एकदम गंदा। What's up guys, welcome back to my vlog। सुबह सुबह हमारी माता श्री ने बना दिए हैं छोले, और छोले के साथ बड़ी वाली पूरी हो जाए तो मजा आ जाए। बस वही लेने जाया जा रहा है, फिर बाद दबा के मतलब खाएंगे। अच्छा वो बड़ी वाली पूरी को क्या बोलते हैं? हलवा पराठा। पूरी को क्या बोलते हैं? पूरी को पूरी भाजी। मतलब इसका कुछ अलग से खाली इसका स्पेशल नाम नहीं है? हलवा पराठा ही है नाम, मतलब पराठा बोल सकते हैं ना? पराठा। वही वाला दे दो। अब नाम तो एग्जैक्टली नहीं पता, तो इसको बड़ा वाला पराठा नाम दे दिया गया। अब घर जाएंगे और दबाएंगे। आप लोग देखोगे गाइस काम करा ना। तो अब यार बिना प्याज और बिना नींबू के किस बात के छोले? हम घर पे खुद ही काटेंगे, हमारी मम्मी काट नहीं रही है, तो खुद ही काट के फटफट बना। जल्दी दो यार, वो गरम करो यार, चाय वाय बनाओ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। छोले बड़े वाले पराठे और प्याज के साथ नींबू बिल्कुल तैयार है। ये रहा कुछ इस तरीके का दिखता है। सबसे पहले इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा मस्त नींबू थोड़ा सा डाल दिया है इस बड़े वाले पराठे को, जिसका नाम अभी अभी हमने रखा है। इसको यूं इस तरीके से मोड़ा जाएगा, इसमें डुबाया जाएगा धनिया के साथ, और ये यूं गया। ओके हाँ। भाई बहुत ज्यादा समस्या हो गया, हम अपना व्लॉग डाल रहे हैं वैसे, और समझ में नहीं आ रहा है कि हम टाइटल में क्या लिखें। टाइटल एक बहुत बड़ी मुश्किल वाली समस्या है, जिसको समझाने के लिए सुलझाने के लिए नासा से साइंटिस्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। बुलाया है, अभी आ नहीं रहे। लोग बोल रहे कि तुम लोग पैसा नहीं दोगे तो हम लोग क्यों आएंगे। कुछ भी व्लॉग बनाने के लिए कुछ भी बोलेगा। मैं इसके ऊपर केस भी कर सकता हूँ, मारता रहता है मेरे को जब। जोर से मारेगा मेरे तो आज भी दम नहीं कि मैं मारूं इससे। तो ना मेरा एक दोस्त है, वो JW मैरियट में काम करता है, ठीक है। तो अब कैसा है कि JW मैरियट में अगर जाना होगा तो कम से कम 5-10-15 हज़ार रुपए पे करने पड़ सकते हैं, जो कि दूसरी किडनी में बेचूंगा तब शायद मैं वो अफोर्ड कर पाऊँ। तो फिलहाल हमारे जो दोस्त हैं वो हमारे सामने बैठे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि वो कब लेके जाएंगे। भाई कब लेके जाएगा? जिस दिन कार्ड मिला उस दिन लेके चले आऊँगा। तू ये बता, तू मेरे को बुलाया कि नहीं? मिला तो पावे से बुलाऊंगा तुझे। नहीं, ये तो 2 साल से बोल रहा है। तो मैं तेरे को बोलूंगा कि भाई तू मेरे को बुला, तब तू बुलाएगा कि ये मेरा एक दोस्त है देवेश नाम का, उसको बुला लेता हूँ। ऐसा तू सब मेरे को क्या सपना आ रहा है कि तेरे को कार्ड मिला हो भाई JW मैनेज जाने का? तो इमोशनल डंडे मार मेरे को। इमोशनल डंडे नहीं, तू मेरे को बुला कब रहा है ये बता। कैसा ना भाई क्या? और कॉन्फर्मेशन दे, शपथ खा कि नहीं भाई कार्ड मिलेगा। कार्ड मिला तो कार्ड कॉल करूंगा, चल चलते हैं। प्रॉमिस रे, कैमरे के सामने प्रॉमिस कर। ये मेरा पुराना वाला ट्राइपॉड है जिसको मैं पहले इस्तेमाल किया करता था। थोड़ा सा हिला के दिखा दे आशीष कितना हिल रहा है। ये पूरा हिलता है। ये स्टेबलाइजर इतनी परफेक्ट है, इसमें मैं जी मैं बहुत इनमें
भाई वजन कम करना है तो क्या जुगाड़ है भाई? कैलोरी डेफिसिट बोले तो 28 किलो बोले तो खाने पे कंट्रोल करना सीखो। वो तो नहीं होता, कुछ और तरीका बता। ये देख उसके बिना 2823 को निकालना पड़ेगा अपने खुद का। तेरा बॉडी वेट जितना है तेरे बूब दिख रहे, थोड़ा छुपाना। अच्छा ये मेरे को ये बता दे खाली, तेरे को क्या लगता है मेरा वजन कम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्यों अभी तो मेरे को कितना महीने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में जाना पड़ेगा तो मेरा वजन कम हो सकता है? ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में मुंह बंद करना, मेरे को पूछा गया। चुप ना भाई। अगर हार्डकोर ट्रेन करेगा खुद को मतलब मिनिमम 3 महीने में हो जाता है, बॉडी इफेक्ट दिखा देगी कितना कर सकते। 3 महीने में मेरा वजन कम हो सकता है? नहीं। लेकिन 3 महीने तक कंट्रोल कैसे करने का नहीं खाने पर? वो तुम्हारे ऊपर है, ये मेरे ऊपर है, तो मुश्किल है। आशीष हाय, कुछ बता। गजब बेइज्जती है यार, वजन कम करने का बहुत टेंशन है। वजन किस तरीके से कम किया जाएगा समझ नहीं आ रहा। मतलब ये वजन कम करने वाली बात मैं तब बोल रहा हूँ जबकि अभी 2 मिनट पहले मैं दबा के लखनऊ जाएगा कि बिरयानी खाऊं और चिकन मसाला फ्राई खाऊं और उसके साथ नान रोटी खाऊं वो भी बटर वाला, और इतना के बाद में अब सोच रहा हूँ कि वजन कैसे जो है कम किया जाए। डिवेस्टेटेड ब्रो। कल से मैं डाइटिंग करूंगा, वजन कम करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा। जब करूंगा तो बोलते हर मंडे। गजब बेइज्जती है। चाइनीज बेल ठूसता है साला, स्नैप पे ये ठूस रहा है, तू बोल रहा है कि ये मेरे को डाइटिंग करने नहीं देता। कल से प्याज टमाटर मिर्ची तेल मसाला चिकन मटन मतलब खाने मत। अबे नहीं, कल से खाऊंगा चावल सॉरी रोटी पालक पानी अंडा। अंडा तो खा सकते ना? वाटरमेलन कुछ रसल मीनिया चल रहा है माँ की है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पूरे दिन भर के काम के बाद हमारी धन्नो जो है बहुत काम करती है हमारे लिए, और अब बारी आ चुकी है धन्नो की मेंटेनेंस का। पकड़ो उसको, तुम चलाओ, हम ब्लॉक करेंगे। धन्नो के नहाने की बारी आ चुकी है, चलिए कमांडर साहब लेट्स ड्राइव इट। कैसे कहे क्या है सितम, सोचते हैं भई हम, कोई कैसे कहे वो है या नहीं हमारे, कहीं और गाड़ी धुलाने वाला पता आपको करते तो है सर। मुलाकात ढूंढने के बाद एक स्टॉप मिल चुका है जहाँ पर गाड़ी धुलाई जा सकती है। बंद हो गया क्यों? तो रे गाड़ी है, एक ही गाड़ी तो है भाई, एक ही गाड़ी है। तो भाई फाइनली बहुत मेहनत और रिक्वेस्ट करने के बाद ये टीम बचकान मान चुकी है गाड़ी धुलाने के लिए। इतना क्या है लोग का है कि भाई नहीं करेंगे। फासले है फिर भी मगर जैसे मिलते नहीं किसी दरिया के दो किनारे, पास फिर भी पास नहीं हमको ये कमरास नहीं। पानी जी है क्या? पहले बिस्किट तो दो। शीश की एक दीवार है जैसे धर्मिया सारे बाय बाय सोए वक्त के दारे, दिल में कोई कोई सी बातें हैं, ओ कहने को जश्न बहारा है इश्क ये देख के है रहा है कहने को जश्न। ओए बचकाने बरोबर से गाड़ी धुलवा। प्लीज गिव मी सम कंटेंट।
देता देता अभी अभी बोलूंगा ना कि यहाँ यहाँ दो तो कंटेंट में ले ले। मैं गाड़ी का ध्यान देने वाला कि कैसे गाड़ी धुलेगी, बराबर हर एक दिन का 100 रुपए दे रहा हूँ मैं। अबे ऐसा कुछ बोल के मजा है, पैसा भी मैं दूंगा दूंगा। इश्क ये देख के है रहा है फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन। विवेक ये बता जरा ये क्या है, ये कलरफुल आइटम क्या है? तो पेट्रोल क्या है? पेट्रोल। तो साइंस स्टूडेंट है ना? मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, कभी कॉलेज गया नहीं हूँ। छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में, देने था उस कुछ ना ये दास्तान हमें वक्त ने कैसी सुनाई। हम जो अगर है गमगीन वो भी उधर खुश तो नहीं। तो भाई अपनी धनो एकदम नहा के एकदम दुल्हनिया जैसी नई बन के आके तैयार हो गई है। भैया रुको रुको, ऐसे ऐसा रास्ता रहेगा तो गाड़ी दुलाने का क्या ही मतलब है। पूरी तरीके से बचाते हुए पापा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर अब रोड ऐसे ही है, क्या करें। हम लंबा रास्ता लेके आए ताकि ना झेलना पड़े सब, पर नियति यही चाहती है कि हम ये सब झेलें। कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं भाई साहब गाड़ी चलाते हैं। तो भाइयों मेरी गाड़ी का मेंटेनेंस दिखाने के बाद इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और परसों ट्यून इन। हाँ ट्यून इन।